सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो इस वीडियो में हम चेकआउट करने वाले ऑल अबाउट स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली यूनिवर्सिटी। क्या इसकी फीस रहती है, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर 2024 एंड 25 सेशन, किस तरीके से आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, क्या इसके पूरे रूल्स रहते हैं, जो उसके प्रोस्पेक्टस में दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइड से आपको डिफाइन किए गए हैं, और जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं आपकी एडमिशन की फॉर 2024-25 एडमिशन, वो आपकी क्या क्या रहने वाले हैं, साथ साथ आपका जो स्टडी मटेरियल होगा, बुक्स होगी, वो आपको किस तरीके से प्रोवाइड की जाएंगी, और आपकी जो क्लासेस हैं आपको किस तरीके से, मतलब पूरा जो भी सब कुछ आपका सोल में जो आपको पता होनी चाहिए सारी चीजें, वो हम इस वीडियो में सारी चीजें चेकआउट करने वाले हैं। चलो, सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव, आई होप यू आर डूइंग वेल। चलो शुरू कर देते हैं। देखो हमारे पास जो सोल होता है, सोल बेसिकली आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक बॉडी आती है, जिसका मतलब आता है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। तो जो भी कैंडिडेट्स यहां पर रेगुलर कॉलेज जो है, जैसे आपके जो रेगुलर कॉलेज आ जाते हैं यूजी और पीजी के, वहां पर उनको ज्वाइन नहीं करना चाहते, मींस किसी भी एक्स वाई जेड रीजन से, या तो उनको वहां पर एडमिशन नहीं हुआ, या फिर मतलब उन पे इतना टाइम नहीं है, वो साथ में कुछ जॉब करते हैं, या फिर वो दिल्ली में नहीं रहते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, वो ज्वाइन कर सकते हैं स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। यहाँ पर आपको क्या प्रोवाइड किया जाता है, बेसिकली यहाँ पर आपको जो अंडर ग्रेजुएशन डिग्री और जो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइड से प्रोवाइड की जाती है, अगर आप अपना जो पूरा कोर्स है उसको कंप्लीट करते हो। मीन्स जो पूरा आपका जो सिलेबस रहेगा, जो पूरा आपका जो पूरा कंसेप्ट रहेगा, जो आपका एग्जाम रहेंगे, वो सब कुछ आपको जो रेगुलर कॉलेज है उसकी तरह ही आपका ऑलमोस्ट उसी तरीके से ही रहेगा, बट यहाँ पर सिर्फ जो डिफरेंस आपका आ जाता है रेगुलर कॉलेज और स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में, वो सिर्फ इतना आता है कि यहाँ पर आपको रेगुलर जो है वो क्लासेस में नहीं जाना होगा। मींस यहाँ पर आपका अटेंडेंस का कोई भी रूल नहीं होगा, यहाँ पर आप अपना घर पर रहकर, या फिर आप किसी भी कंट्री में, या फिर आप कहीं पर भी रहकर क्या कर सकते हो, स्कूल ऑफ जो ओपन लर्निंग है उससे अपनी जो ग्रेजुएशन और जो पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा सर्टिफिकेट, कोई भी आपकी डिग्री है उसको क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। और यहाँ पर आपको जो डिग्री मिलेगी वो पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइड से मिलेगी, मींस जो रेगुलर स्टूडेंट को मिलती है सेम वही डिग्री आपको क्या दी जाएगी, आपको एक जो SOL के स्टूडेंट को वो दी जाएगी। और यहाँ पर आपको एक और चीज़ आती है, वो मैं स्टार्टिंग में आपको बता देता हूँ, अगर आपने SOL में मतलब अगर आप किसी रेगुलर कॉलेज से अगर कोई कोर्स कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप BSc फिजिक्स कर रहे हो, या फिर BA पॉलिटिकल साइंस आप अगर कोई भी कोर्स कर रहे हो, तो उसी के साथ साथ आप क्या कर सकते हो, आप स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में कोई सेपरेट कोर्स भी कर सकते हो। मीन्स दिल्ली यूनिवर्सिटी अलाउ करता है कि एक साथ सेम टाइम पर आप क्या कर सकते हो, दो कोर्स को मतलब ज्वाइन कर सकते हो, और उनको साथ में कंप्लीट भी कर सकते हो। एक आप रेगुलर कॉलेज से कर सकते हो, और दूसरा आपका क्या आ जाएगा, दूसरा आप अपना जो SOL स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से कोई भी कोर्स कर सकते हो, जो भी कोर्स यहां पर अवेलेबल होते हैं। साथ साथ आप माइग्रेट भी कर सकते हो, अगर आप सोल में अगर आपने एडमिशन ले लिया तो आप क्या कर सकते हो, माइग्रेट कर सकते हो रेगुलर कॉलेज में वन ईयर के बाद। उसके कुछ मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, जो कि मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा। साथ साथ आप रेगुलर कॉलेज से सोल में भी जा सकते हो, ये सारी चीजें आपकी आती है। चलो कुछ बेसिक चीजों को डिटेल्स में मतलब कि सब कुछ चेकआउट कर ले। सबसे पहले आपको जो सोल होता है वहां पर कुछ प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं, तो जो जो प्रोग्राम्स आपके ऑफर होते हैं, जैसे BBA इन FEA, ये BMS आपको BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स में आपको होता है इंग्लिश में, और पॉलिटिकल साइंस और साइकोलॉजी, और आपका BCOM ऑनर्स आपका मतलब कि यहाँ पर ये सारे कोर्सेज आपको क्या होंगे, अवेलेबल होंगे। BSc के कोर्स आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे, साइंस के कोर्सेज बेसिकली नहीं होते। साथ साथ आपको यहाँ पर मिलेगा BCOM और BA प्रोग्राम, कंप्यूटर एप्लीकेशन BA प्रोग्राम, साइकोलॉजी और BA प्रोग्राम। साथ साथ आप यहाँ पर से MBA भी कर सकते हो, किस तरीके से रहेगा पूरा चीज़ें वो मैं आपको बताता रहूँगा। चलो यहाँ पर बेसिकली सबसे पहले विजन देख रहे, तो विजन का मतलब ये है कि डिस्टेंस और ऑनलाइन एजुकेशन की हेल्प से दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो भी फैकल्टीज है, जो भी आपका उनका पूरा जो एजुकेशनल कंटेंट है उसको आप यूज कर सकते हो बिना कॉलेज जाए, तो ये बेसिकली इसका काम आता है। बाकी इसका कुछ प्रीएम्बल है, ये आप पढ़ना चाहो तो ये पढ़ सकते हो, ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो VC वाइस चांसलर है इनका तरफ से नोटिस है। हम जो मेन चीज़ है उस पर आते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। हमारे पास ये कुछ एकेडमिक स्टाफ है, तो आप इन सब टीचर्स के मतलब कि जो भी ऑफिशियल जीमेल आईडी है और ऑफिशियल इनका नेम है डिपार्टमेंट, जो भी आपके सारे डिपार्टमेंट आते हैं इनसे आप देख सकते हो, ये मतलब कि इनका पूरा जो जो डिटेल्स है वो चेकआउट कर सकते हो। बाकी यहाँ पर जो फैकल्टीज हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की सोल के लिए, वो भी आपकी एक बेस्ट वन ऑफ दी बेस्ट फैकल्टीज आपकी आती है, और ये आपका पूरा क्या जाता है, पूरा जो सिलेबस है इस तरीके से आपका रहता है। चलो मैं आपको सिलेबस बताता हूँ किस तरीके से रहेगा। अब यहाँ से आ जाता है, सो हमारी सबसे मेन चीज़ आ जाती है पार्ट वन, जो कि आपका आ जाएगा अंडर ग्रेजुएट कैरिकुलम फ्रेमवर्क। मीन्स आपका जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स है वो किस तरीके से आपको कराया जाएगा, वहाँ पर आप एडमिशन किस तरीके से लोगे, कौन कौन से कोर्स होंगे, और कब आपके एग्जाम होंगे, और कब आपकी सारी चीज़ें कराई जाएगी। चलो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020, उसी के बिहाफ पर आपके जो सारे कोर्सेज है उनका जो सिलेबस है वो अपडेटेड आपका सिलेबस सारा आता है, और यहाँ पर आपका फोकस किया जाएगा स्किल डेवलपमेंट में थ्रू इनोवेटिव एंड प्रैक्टिकल ओरिएंटेड टीचिंग लर्निंग। मीन्स आपकी जो डिग्री है साथ साथ में आपको वो भी कराई जाएगी, उसमें भी आपको काफी कुछ सिखाया जाएगा, बट साथ साथ आपके यहाँ पर बहुत सारे आपके क्या है स्किल डेवलपमेंट आपके प्रोग्राम्स ऑनलाइन ऑफलाइन आपके साथ में आपको कराए जाएंगे, ताकि आप अपना क्या है एक्स्ट्रा भी जो स्किल्स है और आपने जो भी
आपकी जो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड इनोवेटिव जो चीजें हैं वो सीख सको। अब यहाँ पर देखो कोर्स एंड क्रेडिट्स क्या होता है। देखो कोर्स आप कोई भी अगर चूज करोगे, फॉर एग्जांपल आपने बीएससी पॉलिटिकल साइंस आपने कोर्स चूज किया है, तो वहां पर हर सेमेस्टर में मीन्स हर सेमेस्टर में आपको क्या मिलेंगे, 22 क्रेडिट्स दिए जाएंगे। मीन्स दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये रूल है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक सेमेस्टर के कितने होते हैं, 22 आपको क्या मिलते हैं, क्रेडिट्स दिए जाते हैं। इसी तरीके से अगर आप अपना पूरा जो डिग्री है उसको कंप्लीट करोगे, चार साल की डिग्री कंप्लीट करोगे, तो आपके 176 आपके क्या हो जाएंगे, क्रेडिट्स हो जाएंगे। 22 क्रेडिट्स वन ईयर के किसके हो गए, आपके एक सेमेस्टर के हो गए, और ऐसे ऐसे आपके 8 सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएंगे, तो आपके 176 क्रेडिट्स हो जाएंगे। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, जब आपके 44 क्रेडिट्स हो जाए, मीन्स आपका वन ईयर कंप्लीट हो जाए, 44 अगर क्रेडिट्स आपके अर्न आपने कर लिए, तो आप यहाँ से SOL कॉलेज से एक रेगुलर कॉलेज में भी आप क्या कर सकते हो, माइग्रेट कर सकते हो, बट आपका जो कोर्स है वो सेम होना ही चाहिए। अब यहाँ पर आपके जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपके सब्जेक्ट चूज करने होते हैं। बेसिकली आपको डिग्री आपको जैसे बी ए पोलिटिकल साइंस करनी है विद आप हिस्ट्री या फिर आप इंग्लिश करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपके पास सब्जेक्ट जो चॉइस होती है वो आपका सबसे पहले आपको सब्जेक्ट चॉइस करने होते हैं। डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स मीन डीएससी में से आपको क्या करने होते हैं, कुछ सब्जेक्ट चॉइस करने होते हैं। ये पूरी एक लिस्ट होती है, लिस्ट में आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि आप अपना डीएससी में जो जो सारे सब्जेक्ट्स है वो आपको चूज करने होंगे। इसमें क्या होगा, डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग मीन्स इसमें वो सारे सब्जेक्ट्स होंगे जो कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स जो है उसको डेवलप करेंगे। ऐसे आपके डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव सब्जेक्ट्स आ जाते हैं जो कि आपको थर्ड सेमेस्टर से दिए जाएंगे, और ये आपका क्या करेंगे, डिसिप्लिन जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है और एक्सपर्टीज है चूजन फील्ड में, जिस फील्ड में आप डिग्री कर रहे हो उस चीज़ में आपको क्या कराएंगे, और ज़्यादा एक्सपर्ट मतलब बनाएंगे। ऐसे आपका जेनरिक इलेक्टिव होता है, इसमें आपको क्या मिलेंगे, इसमें आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स मिलेंगे जिनको आपको चूज करना होगा आगे चल के, और यहाँ इसके भी आपको मार्क्स दिए जाएंगे। बेसिकली ये क्या होता है, स्कोरिंग्स आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, और यहाँ पर जितने भी आपके डीएससी और जेनरिक इलेक्टिव होते हैं, सबके क्या क्या मिलते हैं आपको, 4-4 क्रेडिट्स मिलते हैं। 4-4 क्रेडिट्स मिलके आपके एक सेमेस्टर के 22 क्रेडिट्स आपके हैं, ये आपकी सारी चीजें आती है। और लास्ट आपका जो कोर्स आता है वो आपका वैक कोर्स आता है, ये आपके क्या मिलेगा, ऑफर्ड इन द फर्स्ट सिक्स सेमेस्टर में आपको ये ऑफर किया जाता है। इसमें बेसिकली आपकी जो स्किल्स होती है लाइक आपकी सॉफ्ट स्किल्स, स्पोर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, सिमिलर वैल्यूज इन स्टूडेंट्स, ये सब चीज़ें आपको क्या कह जाती है, पढ़ाई जाती है। अब यहाँ पर देखो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आप वन ईयर तक कंप्लीट करते हो अपनी पढ़ाई, तो आपको एक अंडर ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर एक साल आप पूरा कंप्लीट करते हो, अगर आप दो साल पूरे कंप्लीट करते हो, बेसिकली आपके 88 क्रेडिट्स आपको मिल जाएंगे, तो आप क्या, आपको क्या मिलेगा, एक अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा मिलेगा। और अगर आपकी 3 ईयर्स की डिग्री होगी, तो आपको एक बैचलर की डिग्री दी जाएगी। और अगर वही अगर आप क्या करोगे, मतलब कि 3 ईयर्स की डिग्री कंप्लीट करोगे 132 क्रेडिट के साथ, तो आपको क्या दिया जाएगा, ऑनर इन सिंगल डिसिप्लिन। मीन्स अगर आप मल्टीपल डिसिप्लिन, जैसे बीए पॉलिटिकल साइंस प्लस इंग्लिश आपने किया, तो मल्टीपल डिसिप्लिन में वो आपका हो गया कोर्स। और अगर आपने क्या किया, बीए सिर्फ पॉलिटिकल साइंस किया, तो वो आपका क्या हो गया, सिंगल डिसिप्लिन में आपका हो गया। और अगर आप 4 ईयर की ऑनर डिग्री करते हो, तो आपको क्या दिया जाएगा, वो डिग्री ऑनर्स की फॉर्म में दी जाएगी। मीन्स आप उस सब्जेक्ट में क्या करोगे, रिसर्च वर्क में भी जा सकते हो। ये आपको सारा मतलब कि पूरा जो शेड्यूल रहता है, मतलब कि 1 ईयर 2 ईयर कंप्लीट करने के बाद आपको ये सारी चीजें दी जाएंगी। अब ये जो क्रेडिट्स होते हैं, ये आपको कहां स्टोर होते हैं, ये आपकी जो एबीसी आईडी होती है, आपकी होती है ABCID means Academic Bank of Credit। इसमें आपकी जो सारी डिटेल्स है वो आपकी क्या होती है, स्टोर होती है। मीन्स ये आपका ऑनलाइन एक तरह से बैंक होता है, जहाँ पर आपके जो भी एजुकेशनल क्रेडिट्स होते हैं वो सबमिट होते रहते हैं। कैसे वर्क करता है आपकी ये, मतलब कि मैंने चैनल पर वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो आप उसको चेकआउट कर लेना। चलो आगे चलते हैं। बाकी ये मतलब जो सब्जेक्ट है, सिलेक्शन किस तरीके से रहता है, ये आपका इस तरीके से सिंपल सब्जेक्ट सिलेक्शन कुछ नहीं है, आपको सिंपल फॉर्म में जो अपने सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो आपको फिल करने होते हैं। अब यहाँ पर जो मेन चीज़ आ जाती है वो आपके आ जाते हैं कोर्सेज। देखो यहाँ पर आपको काफ़ी वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज अवेलेबल है। सबसे पहले आपका यूजी के जो सिंगल कोर्स कोर डिसिप्लिन आ जाते हैं, मतलब जिसमें आप एक सब्जेक्ट पढ़ोगे वो आपके सारे ये वाले सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। और ऐसे ही आपके टू कोर डिसिप्लिन प्रोग्राम आ जाते हैं, वो आपके सारे ये वाले प्रोग्राम्स आ जाते हैं। तो आप प्रोग्राम आप चेकआउट कर सकते हो, कौन सा प्रोग्राम करना चाहते हो। फिर आपका आ जाते हैं फीस, मतलब आपकी फीस और बेसिकली आपका जो एडमिशन प्रोसेस है वो आप कब से स्टार्ट होने वाला है। तो मैं यहाँ पर मतलब कि जो भी लेटेस्ट है, क्योंकि जो डेट्स हैं वो उसकी चेंज होती रहती हैं, तो जो आपका बेसिकली जो एडमिशन प्रोसेस था वो आपका 3 जून से स्टार्ट हो गया था, और आपका 30 अगस्त तक आपका जो एडमिशन है वो चलने वाला था, बट वो आई थिंक 15 सितंबर तक, मैं यहाँ पर लेटेस्ट डेट लिख दूंगा, 15 सितंबर तक क्या कर दिया गया है, आपका पोस्टपोन कर दिया गया। मीन्स उसकी जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है, तो 15 सितंबर तक यहाँ पर जो भी डेट लिखी हुई है, एग्जैक्ट डेट मैं यहाँ पर बता दूंगा, इस डेट तक आप क्या कर सकते हो, सोल में क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई आपको कैसे करना है, सब काम आपका ऑनलाइन होगा। सबसे पहले आपको soldu.ac.in वेबसाइट पर चले जाना है, वहाँ पर आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा बेसिकली अप्लाई करने का। वहाँ से आप अप्लाई करोगे, जो कोर्स है आप वो कोर्स सेलेक्ट करोगे, और फिर आप क्या कर दोगे, अपनी जो फी पेमेंट है वो फी पेमेंट कर दोगे, और अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारे अपलोड कर दोगे। इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा,
आपका जो एडमिशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आपको जो यहाँ पर कोर्सेज मिलते हैं उनकी जो मिनिमम मतलब कि एलिजिबिलिटी है 2024 के लिए वो आपकी सारी रहती है। जैसे अगर यहाँ पर आप क्या करना चाहते हो, बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हो, तो आपके पास क्या होने चाहिए, कॉम्बिनेशन एनी वन सब्जेक्ट जो आपने एग्जाम दिया है उसमें आपके ये सारे सब्जेक्ट्स आपके होने चाहिए। जैसे हम किसी का एग्जाम्पल लेके चलते हैं, हाँ जी, बीए अगर हम ऑनर्स लेना चाहें अपना पॉलिटिकल साइंस में, तो एनी स्ट्रीम पास इन ट्वेल्थ, मतलब ट्वेल्थ में आप किसी भी स्ट्रीम में पास हो, एनी वन मतलब जो सीयूटी आपने एग्जाम दिया, एनी टू सब्जेक्ट्स ऑफ लिस्ट वन, और इन सब में से आपको एग्जाम दिया होना चाहिए। या फिर मतलब कि साथ में आप क्या होना चाहिए, क्लास ट्वेल्थ में 45% आपके मार्क्स होने चाहिए, एससी एसटी के लिए मतलब कि सिर्फ पास चलेगा, और ओबीसी के लिए 45 इतने परसेंट आपके मार्क्स होने चाहिए। तो ये मतलब जो पीडीएफ का लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो जो भी आप डिग्री करना चाहते हैं उनके ही आपके क्या वो आप चेकआउट कर सकते हैं, उसके इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो कितनी आपकी आती है। अब यहाँ पर एक पॉइंट है कि आपकी कोई भी मिनिमम एज नहीं है, किसी भी एज में आपके जो सोल के किसी भी कोर्स में आप क्या ले सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। बाकी आपके जो कोर्सेज आते हैं वो आपके मतलब कि जो जिसके लिए आप एलिजिबल हो सिर्फ उन्हीं के लिए आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर एक और चीज़ आ जाती है, फॉर फॉरन कैंडिडेट्स मीन्स जो आउट ऑफ इंडिया कैंडिडेट्स मतलब कि पढ़ना चाहते हैं सोल से, तो उनको क्या करना होगा, उनको डीन ऑफिस में जो डीन फॉरन कैंडिडेट्स स्टूडेंट की जो रजिस्ट्री है FSR जो रूम नंबर 11 पे फर्स्ट फ्लोर ऑफ द कॉन्फ्रेंस सेंटर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली मतलब कि जो मेन यूनिवर्सिटी सेंटर है वहां पर जाके उनको क्या करना होगा, अलग से अप्लाई करना होगा। और यहां पर डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स कंट्रीज के लिए अलग अलग भी फैसिलिटीज है, जैसे नेपाल और भूटान के लिए आपका वीजा फ्री अरेंजमेंट है इंडिया में, और तिब्बतियन जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्पेशल एंट्री परमिट है, और साथ साथ जो ऑल फॉरन स्टूडेंट्स हैं स्टूडेंट वीजा पे परस्यू कर सकते हैं, जो भी एकेडमिक और जो भी कोर्स करना चाहते हैं उन सब चीजों को मतलब क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब यहां पर जो चीज़ आ जाती है, डॉक्यूमेंट्स जो आपके एडमिशन के टाइम लगने वाले हैं वो सब आपके डॉक्यूमेंट आपके ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स अगर आपने CBSE से पास आउट किया तो आपके ये 3 डॉक्यूमेंट्स लगने वाले, और अगर आपने अदर देन CBSE से कोई बोर्ड से अपनी 12th पास किया तो आपके ये वाले सारे डॉक्यूमेंट्स लगने वाले। साथ साथ अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो वो कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपका लगने वाला, जो भी रिजर्व कैटेगरी है वो आपका सर्टिफिकेट लगने वाला है। और यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, गैप ईयर के लिए आपका कितना भी गैप हो सकता है आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। यहाँ पर जो आपकी पेमेंट होगी वो भी ऑनलाइन होगी, और फीस जो रहेगी वो भी मैं आपको बताता हूँ। जो फीस रहेगी वो आपकी 1 ईयर की रहेगी, तो आपके जो बीए प्रोग्राम है हिंदी इंग्लिश हिस्ट्री उर्दू मैथ पॉलिटिकल साइंस एजुकेशन इकोनॉमिक्स संस्कृत बीकॉम ये सारे आपके जो प्रोग्राम है, और एससी एसटी ओबीसी सबके लिए सेम फीस है, तो आपकी 1 ईयर के लिए 8,870 आपकी फीस रहती है। ऐसी आपके FSR जो स्टूडेंट है उनके लिए इतनी रहेगी, NRI के लिए 10,030 रहेगी, और ये जो मैंने कोर्स बताया स्टार्टिंग में सबकी उनकी फीस है। ऐसे ऑर्फन स्टूडेंट्स के लिए आपकी नॉर्मल बस 20 रुपीज़ फीस है, जो आर्म फोर्सेज और CRFP है कि उनकी इतनी फोर्सेज, शॉर्ट सर्विस आपका इतनी फीस, और आर्म फोर्सेज आपकी दिस फीस, और ट्रांसजेंडर इतनी फीस, तो आप ये मतलब सारी फीस भी एक आप चेकआउट करते हैं। मेन तो जो आपकी फीस थी वो फ्रंट वाले में आती थी, बाकी सारी आपकी फीस जो पूरा स्ट्रक्चर है वो आपका आता ही आप मतलब कि इसमें से चेकआउट कर सकते हैं। चलो जो मेन चीज़ आती है हम उस पर चेकआउट करते हैं। फीस आपकी कोई मतलब कि ऑन अराउंड 8,000 से 10,000 ये सभी कोर्सेज की आपकी ये फीस आती है। बाकी आप MBA का देखना चाहते हो तो MBA की मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, वो आप चेकआउट कर सकते हो। अब यहाँ पर बात करते हैं विड्रॉल ऑफ एडमिशन, मीन्स आपने एडमिशन ले लिया है, मतलब आपने अप्लाई कर दिया, फीस पे कर दिए, बट आप एडमिशन जो है विड्रॉल करना चाहते हो तो आप विड्रॉल भी कर सकते हो। आपकी जो पूरी फीस है वो रिफंड कर दी जाएगी, 500 रुपये मतलब कि डिडक्ट करेंगे बस आपके जो एडमिशन चार्ज होगा, बट आपको ध्यान रखना होगा कि आपको एडमिशन विड्रॉ करना होगा टिल द लास्ट डेट ऑफ यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस, जो भी यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस की तरफ से जो भी आपकी लास्ट डेट आती है उससे पहले पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर विड्रॉल करना होगा, और आपका जो पूरी फी है वो आपकी क्या कर दी जाएगी, रिफंड कर दी जाएगी। बाकी आपका जो पेमेंट गेटवे होगा, पेमेंट आप ये इन तरीके से सारे कर सकते हो। अगर आपकी पेमेंट में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ से आप क्वेरीज जो अपना ग्रेवेंस है उसको रेज कर सकते हो, इस फॉर्मेट में आपको मेल करना होगा, ये आपकी सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट आता है नहीं, और तो कुछ नहीं है, और तो ये सारा मतलब आपका सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 में आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा वो तो जब आप एक बार एडमिशन ले लोगे वो आपको सारी चीज़ें पता ही चल जाएंगी। यहाँ पर तो हमने बेसिक चीज़ें चेकआउट कर ली कि आपका जो पूरा ये मतलब कि है ये वर्क किस तरीके से करता है, मतलब सोल में आपकी सारी चीज़ें किस तरीके से होती है। चलो जी, ये आपका चीज़ आती है, और एग्जामिनेशन आपके क्या कराए जाएंगे, सेमेस्टर वाइज आपके एग्जाम होते हैं, उसमें आपको पास करना होगा, उसका रिजल्ट आएगा, फिर आपको नेक्स्ट ईयर में आपको क्या किया जाएगा, पास ऑन किया जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो पूरा सोल होता है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी इस तरीके से वर्क करता है। एडमिशन की जो डेट है वो मैंने आपको यहाँ पर लिख के बताई दिया, बाकी डिस्क्रिप्शन में और डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, वहाँ से भी आप चेकआउट कर लेना। बाकी इंस्टाग्राम पर भी मैं ये चीज़ें अपलोड मतलब कि जो रील्स हैं और स्टोरीज हैं उनके थ्रू आपको अब लेटेस्ट अपडेट बताता रहता हूँ, वहाँ पर आप जरूर कनेक्ट हो जाना। बाकी आपको यहाँ पर एडमिशन लेना तो आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, डिग्री आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की मिलेगी, काफी अच्छा आपके पास एक ऑप्शन होता है सोल मतलब पढ़ने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी, अगर आप रेगुलर कॉलेज नहीं जाना चाहते तो। सो ये सब कुछ आपका आ जाता है रिलेटेड टू सोल दिल्ली यूनिवर्सिटी। होप करता हूँ आपकी सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई डाउट कोई क्वेश्चन आता है उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर आप मैसेज कर सकते हो। सो वीडियो हेल्पफुल लगे इसको लाइक जरूर कर देना, एंड यस जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी हेल्पफुल कंटेंट आपके लिए चैनल पर पहले से अपलोडेड है वो जरूर आप जाके चेकआउट कर लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीक से अपनी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।